हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो स्क्रीन पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पहले जो अपन रिएक्शन करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे ये मान लो एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड की रिएक्शन अपन ने सी से करवाई। अगर सी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब उसके रिएक्शन करने की टेंडेंसी ए से ज्यादा है, तो सी क्या करेगा, ए को हटाकर ए की जगह खुद आ जाएगा और ए को हटा देगा, ए को रिप्लेस कर देगा। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय, या तो किसी कंपाउंड का एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से, या किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहां पर ए बी की रिएक्शन जब सी से कराई तो सी जो है उसने ए को हटा दिया और ए की जगह खुद आ गया, तो सी ने ए को रिप्लेस कर दिया। ऐसा करने के लिए सी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा सकता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता। तो इस तरीके का जो रिप्लेसमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अपन को क्या पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम, तो इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी जो आपके इस चैप्टर फर्स्ट में तो नहीं गिवन है लेकिन चैप्टर नंबर 3 में गिवन है, और वो टेबल जो है वो ये है। ठीक है, अब इस टेबल में जो ऊपर की तरफ एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम रिएक्टिव होते जाएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनम। ठीक है, तो अगर मैं एल्यूमिनियम के किसी कंपाउंड की रिएक्शन जिंक से कराऊं तो जिंक जो है एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है इसका मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर जिंक के किसी कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम से करूं तो एल्यूमिनियम जिंक को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे अपना पहला है कि कॉपर सल्फेट, CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन अपन आयरन से करा रहे हैं। अब क्या आयरन कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं, ये अपन को रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। तो अपन को देखना है कि कॉपर और आयरन में से ऊपर कौन आ रहा है, तो यहां देखो ढूंढते हैं, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, इसका मतलब कॉपर से ऊपर है आयरन, और आयरन ऊपर होने का क्या मतलब है, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या कर सकता है, कॉपर को हटा सकता है, तो यहां पर रिएक्शन होगी। और आयरन क्या होगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर बाहर चला गया और आयरन किसकी जगह आ गया, कॉपर की जगह, और क्या बन गया, FeSO4। तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से कराने पर आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर रिप्लेस हो जाता है। इसी तरीके से अगर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अपन जेडन से कराए तो जेडन भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि इस सीरीज में जेडन देखो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कॉपर से जेडन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन मैं पीबी से कराऊं तो देखो ये रहा सीयू और ये रहा पीबी, भी ज्यादा रिएक्टिव है तो पीबी सीयू को हटा सकता है, तो पीबी सीयू को हटा देगा, PbCl2 बन जाएगा और सीयू जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस पे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अपन को ये डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिख देना, एटलीस्ट एक या दो इक्वेशन तो लिखनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ऐसे अपन को कोई इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। जैसे H2SO4 इसकी रिएक्शन Zn के साथ कराकर Zn H2 की जगह आ गया, ZnSO4 और H2, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं हो सकती। तो इसको होने के लिए क्या होना चाहिए, Zn जो है वो H2 को रिप्लेस कर रहा है तो Zn H2 से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो दोनों को ढूंढते हैं, देखो Zn रहा ये और H रहा ये, तो H से ऊपर आ रहा है Zn, इसका मतलब Zn H को हटा सकता है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये हो सकती है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखो, MgSO4 की रिएक्शन Zn से कराई और Zn Mg की जगह आ गया और Mg बाहर हो गया, क्या ये रिएक्शन हो सकती है। तो इसको चेक करते, देखो Mg और Zn में से ऊपर कौन आ रहा है, देखो ये रहा Zn और Mg ऊपर है, इसका मतलब Mg ज्यादा रिएक्टिव है और Zn कम रिएक्टिव है, तो Zn Mg को नहीं हटा सकता क्योंकि Zn Mg से क्या है, कम रिएक्टिव है। Zn
अपने से नीचे वालों को हटा सकता है, अपने से ऊपर वालों को नहीं रिप्लेस कर पाएगा, इसका मतलब सेकंड रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। तो ऐसा अपने को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ऊपर वाली रिएक्शन होगी। कारण क्या देंगे कि ऊपर वाली रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि Zn जो है वो एच से ज्यादा रिएक्टिव है तो रिप्लेस कर देगा। नीचे वाली क्यों नहीं होगी, क्योंकि Zn जो है Mg से कम रिएक्टिव है तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस तरीके से लिखना, देखो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, और यही एक्सप्लेनेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर इनमें से किसी भी रिएक्शन का अपन को एक्सप्लेनेशन पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आयरन, Zn, Pb ये तीनों जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को क्या कर पा रहे, रिप्लेस कर पा रहे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है, कम रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपनी जगह से हटाकर उसकी जगह खुद आ जाता है, उसे रिप्लेस कर देता है। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन एक एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन एक एक्टिविटी लेते हैं, जिससे अपन ये समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। तो अपन को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है अपनी एक्टिविटी का, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अब प्रोसीजर लेते हैं, क्या करना है अपन को, टेक टू आयरन नील्स, दो अपन को क्या लेनी है, आयरन नील्स, एक भी ले सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसे अपन क्या करेंगे, थ्रेड के साथ टाई कर देंगे, मतलब बांध कर उसे पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे सबसे पहले तो, और इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने कैसा सॉल्यूशन भर रखा है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन को एक या दो आयरन नेल्स डाल देनी है और ऊपर थ्रेड के साथ टाई कर देनी है। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर छोड़ना है और फिर अपन को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, द ब्लू कलर, देखो पहले कैसे कलर का है, ये ब्लू कलर का, और बाद में कैसा हो रहा है, लाइट ग्रीन कलर का हो जा रहा है। ये कैसा हो रहा है, लाइट ग्रीन कलर का। और जो आयरन नेल्स जो होती है उसके ऊपर भी ब्राउन कलर का, जो अंदर की तरफ आयरन नेल्स जो सॉल्यूशन के अंदर है। देखो, सपोज करो कि ये आयरन नेल थी, ये इतनी अंदर की तरफ है, नीचे वाली और बाहर वाली बाहरी है, तो ये जो नीचे वाली होगी इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाएगी, तो दोनों का कलर चेंज हो गया। जो पार्ट जो आयरन नेल का सॉल्यूशन के अंदर डिप है उसका भी कलर चेंज हो गया, और इस सॉल्यूशन का भी जो है कलर चेंज हो गया। सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कैसा हो गया, लाइट ग्रीन, और जो अंदर आयरन नेल का पार्ट है उसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग आ गई। अब ये क्यों हो रहा है, क्या कंक्लूड किया अपन ने, तो देखो कारण ये रहा होगा कि आयरन जो है, उस आयरन नेल का जो आयरन है Fe, और कॉपर सल्फेट में क्या है, CuSO4, इन दोनों की रिएक्शन हुई होगी। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को उसकी जगह से हटाकर खुद आ गया, और कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया होगा, आयरन सल्फेट। क्योंकि ब्लू कलर जो है वो किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से, तो अब कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं, आयरन सल्फेट बन गया, तो उसका कलर आने लग जाता है, तो ब्लू की जगह कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का। अब जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर कहाँ से आया, वो भी समझते हैं। देखो, कॉपर सल्फेट ने जब Fe से रिएक्शन की तो Fe ने Cu को हटा दिया, ये जो बाहर Cu निकल रहा है ये कुछ आयरन नेल के ऊपर लग जाता है, तो वो ब्राउन कलर की कवरिंग बन जाती है। तो कंक्लूजन में अपन क्या लिखेंगे कि आयरन ऑफ आयरन नेल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कन्वर्ट इनटू आयरन सल्फेट। ड्यू टू इट ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है, और आयरन नेल्स जो होती है वो भी ब्राउनिश ग्रे कलर की हो जाती है, और फिर अपन को इक्वेशन लिखनी है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अगर अपन को ये पूछे कि एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी से अपन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाना है, तो अपन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। एक अपन को यह पूछे कि क्या कारण है कि जब अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो पहले अपन ये डायग्राम बना देंगे, बना सकते हैं अपन को अगर ज्यादा मार्क्स का है तो, डायग्राम बना देंगे और लिखेंगे कि आयरन नेल्स का जो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को वो हटा देगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, और अपन इक्वेशन लिख देंगे। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो पहले कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था अब आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि कैसा है, ग्रीन कलर का। वैसे ये जो क्वेश्चन है मैं अभी आगे अपन को अच्छे से एक्सप्लेन और करूंगा। ठीक है।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को अपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पहले अपन इस एक्टिविटी से समझते हैं और फिर अपन अलग से भी समझेंगे इसको। तो देखो प्रोसीजर क्या करना है अपन को, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें अपन को सोडियम सल्फेट ले लेना है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में अपन को बेरियम क्लोराइड ले लेना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक में बेरियम क्लोराइड और एक में क्या लेना है, सोडियम सल्फेट, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है। जैसे ही अपन मिक्स करते हैं तो देखते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में अपन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं उसमें नीचे की तरफ एक वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनने लगता है। ऐसे सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं अपन, प्रेसिपिटेट कहते हैं। जब किसी रिएक्शन में एक सॉलिड सब्सटेंस बने और वो भी इनसॉल्युबल बने, तब वो क्या होगा, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसमें नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। साथ ही में जब ये दोनों रिएक्शन होती है तो एक टेस्ट ट्यूब में अपना था सोडियम सल्फेट, दूसरे में था बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, सोडियम सल्फेट का जो ये SO4 है वो Ba के पीछे चला जाता है, और Ba के पीछे का जो Cl है वो सोडियम के पीछे आ जाता है। तो सोडियम सल्फेट के पीछे क्लोरीन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और Ba के पीछे SO4 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, BaSO4। तो इन दोनों आयनिक कंपाउंड ने अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लिया, ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि Cl ने SO4 को रिप्लेस किया और ऐसा भी लग रहा है कि SO4 ने Cl को रिप्लेस किया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और प्रेसिपिटेशन का भी है। प्रेसिपिटेशन का क्यों है उसको भी समझते हैं कि देखो ये दोनों जो है एक्वस सॉल्यूशन थे, जब इन दोनों को मिक्स किया तो दो कंपाउंड बने, इसमें से ये वाला कंपाउंड तो एक्वस सॉल्यूशन है, अभी भी सॉल्यूबल है, लेकिन ये जो है सॉलिड सब्सटेंस है और इनसॉल्यूबल है, तो वो धीरे धीरे कंटेनर में नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएगा। और ऐसे सब्सटेंस को शो करने के लिए नीचे की तरफ एरो लगाते हैं कि भाई ये नीचे सेटल्ड हो रहा है। ऐसे कंपाउंड को या ऐसे सॉलिड इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, PPT कहते हैं। अक्सर ये जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किसी ना किसी कलर का होता है, यहां पर कैसे कलर का बन रहा है, व्हाइट कलर का बन रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है ये अपन डबल डिस्प्लेसमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्रेसिपिटेट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब अपन पहले आप ये एक्टिविटी नोट कर लीजिए, फिर अपन वापस अच्छे से समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी अपन ने एक एक्टिविटी देखी और वो एक्टिविटी में जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार फिर से समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें दो आयोनिक कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। आयोनिक कंपाउंड होगा तो एक कैटायन होगा प्लस का और एक एनायन होगा माइनस का। जैसे इस वाले ये जो है एक तरह की समझाने के लिए इक्वेशन लिखी हुई है, या आप एग्जाम्पल में, एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि एक एग्जाम्पल लिखो तब ये नहीं लिख सकते, लेकिन आप डेफिनेशन के नीचे समझाने के लिए ये लिख सकते हो। तो देखो यहां पर अपन सपोज करते हैं कि ए प्लस का और बी माइनस का, ये एक आयनिक कंपाउंड है ए बी, इसकी रिएक्शन अपन ने सी डी से करवाई, सी जो है वो कैटायन है और डी जो है वो एनायन है। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो इन्होंने अपने आयन जो है एक्सचेंज कर लिए, डी जो है वो बी की जगह आ गया, बी जो है वो डी की जगह आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, ए डी और सी बी। अभी भी देखो आगे कैटायन ही रहेगा और पीछे क्या रहेगा, एनायन, ये आगे क्या है कैटायन और पीछे क्या रहेगा एनायन। दो आयोनिक कंपाउंड ने अपने जो आयन थे उनको एक्सचेंज करके दो न्यू कंपाउंड बना लिए, पहले कंपाउंड कौन से थे, ए बी और सी डी, बाद में क्या बन गया, एडी और सीबी बन गया, दो नए कंपाउंड बन गए। इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों का, ऐसा लग रहा है कि डी ने जो है बी को रिप्लेस किया और बी ने जो है वो किसको रिप्लेस किया, डी को, तो दो दो डिस्प्लेसमेंट जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या कहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि दो आयोनिक कंपाउंड जो है वो आपस में अपने आयन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं और दो नए कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इसका अभी जो अपन ने एक्टिविटी देखी थी उसी रिएक्शन से वापस समझने की कोशिश करते हैं। यह है सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं बेरियम सल्फेट के साथ। तो सोडियम सल्फेट में जो कैटायन है वो है Na+ और एनायन जो है वो है SO4-2।
यहां पर कैटाइन है Ba प्लस टू और एनाइन है Cl माइनस, तो ये Cl माइनस एनाइन जो है वो इसके पीछे चला जाएगा और SO4 माइनस टू जो एनाइन है वो इधर आ जाएगा। तो SO4 तो लग जाएगा किसके पीछे, लग जाएगा SO4 लग जाएगा Ba के पीछे, तो Ba SO4 बन जाएगा और Cl Na के साथ चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा। ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड स्टेट है, डिसॉल्व करके बनाई गई है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन BaSO4 जो बनता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है और साथ में वो डिसॉल्व भी नहीं है, इनसॉल्यूबल है। यही वजह है कि वो जैसे ही बनेगा वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। इस एरो का मतलब है कि नीचे जिस कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं वहां नीचे सेटल हो जाएगा। ऐसी चीज को इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट जो सॉलिड होता है उसे अपन कहते हैं प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं। और ये प्रेसिपिटेट कैसे कलर की है, व्हाइट कलर की पीपीटी है। तो ये जो इक्वेशन है ये अपन डबल डिस्प्लेसमेंट पे तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ में अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल में भी लिख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है उसे अभी अपन समझते हैं। वैसे अगर किसी रिएक्शन में इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है तो वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी आ सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आ सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड ने अपने आयन एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बना लिए। एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज मिक्स विथ पोटेशियम आयोडाइड। ये अपन पहले कर चुके हैं, जब दोनों को मिक्स किया था तो येलो कलर की पीपीटी बनी थी। ये रिएक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाई थी, ठीक है, चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। तो अपन को ये कह रहा है कि क्या होगा, तो अपन को इक्वेशन लिखनी है। तो ये लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन Ki से करवाएंगे। तो देखो यहां पर एनाइन है आयोडीन आयोडाइड और यहां पर है नाइट्रेट, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, के पीछे आ जाएगा नाइट्रेट और ये आयोडीन जो आयोडाइड के फॉर्म में वो पीबी के पीछे चला जाएगा, एक्सचेंज होके दो नए कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन लिख देनी है, क्या कहा कि क्या होगा जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके टू न्यू कंपाउंड बनाएंगे, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड। ये कह रहा है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही साथ में एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्यों है, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट में से एक तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो डिसॉल्व ही रहेगा, एक सॉलिड चीज बन रही है जो कि क्या है, इनसॉल्यूबल है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ कंटेनर में सेटल्ड हो जाएगी, तो ये भी एक प्रेसिपिटेट है, तो ये प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल है। यहां मैंने डेफिनेशन लिख दी है प्रेसिपिटेशन की, अ रिएक्शन इन विच सॉलिड इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बने वो सॉलिड होना चाहिए और इनसॉल्यूबल होना चाहिए, डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसे जो होगा प्रोडक्ट वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएगा, और ऐसे सॉलिड इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कहते हैं और ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन में भी लिख सकते हो। यहां क्वेश्चन में सेट में पहला था कि क्या होगा, तो इक्वेशन लिख दी। दूसरा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये दोनों टाइप में से कोई भी टाइप लिख सकते हैं, दोनों ही लिख दें आप। तीसरा है कि इस रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, और कैसे कलर का होगा, येलो कलर का होगा, कोई तकलीफ नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये अपने किस पे बेस्ड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, आपकी बुक में पीछे की तरफ दे रखा है। क्या दे रखा है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं मतलब सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करके उसे क्लीन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने की जो रिएक्शन होती है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये कराने के लिए अपन कॉपर यूज करते हैं, तो उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अपन को बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अब सिल्वर नाइट्रेट का अपन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही सिखाया Ag प्लस सिल्वर और नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3, वन वन का कोई मतलब नहीं रहता। तो AgNO3 की रिएक्शन अपन को किससे करानी है, कॉपर से। कॉपर जो है Ag से ऊपर आता है, इसका मतलब कॉपर जो है Ag को रिप्लेस कर सकता है, तो कॉपर किसकी जगह आ जाएगा, Ag की जगह आ जाएगा, और Ag कहां चला जाएगा, बाहर। जैसे ही बाहर होगा तो सेपरेट हो गया, अपन को Ag को सेपरेट ही करना था तो सेपरेट हो गया। तो अपन को तो एग्जाम में पूछा था इसकी इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन लिख, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, और यही वजह है कॉपर सिल्वर को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, और रिप्लेस कर देगा सिल्वर को, और सिल्वर अपन को ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अपनी एक्टिविटी पे ही बेस्ड है। तो क्या दे रखा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स डिप्ड इन इट। जब अपन आयरन की जो नेल्स होती है, कील जो होती है, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करता है तो कलर चेंज क्यों होता है। अभी अपन एक्टिविटी में देखा था कलर चेंज होता है, ब्लू कलर से कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है, तो क्यों होता है वो समझाना है। तो क्या लिखते हैं कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। तो जब आयरन नेल को अपन डिप करते हैं तो आयरन नेल जो आयरन नेल का जो अपना आयरन है वो ब्लू कलर्ड जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके साथ कौन सी रिएक्शन देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, आयरन से। आयरन क्यों लिखा, आयरन नेल में आयरन ही होता है, वो आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। क्योंकि पहले सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का था तो वो ब्लू कलर का था, बाद में कॉपर सल्फेट तो रहा ही नहीं, वो तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, इस वजह से कलर क्या हो गया, चेंज। आयरन नेल जो है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉपर लग जाएगा क्योंकि कॉपर जो सेपरेट हो रहा है तो वो ब्राउनिश कलर आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आयरन सल्फेट के अंदर, जो कि कैसा है, लाइट ग्रीन कलर का। हियर हेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो इसका कारण है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें किसने किसको रिप्लेस किया है, आयरन ने कॉपर को क्या किया है, रिप्लेस किया है। और अपन को एक क्या लिखना है, इक्वेशन लिख देनी। इसी के साथ अपने आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में अपन ने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो कम रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम को अपनी जगह से हटा देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें दो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो आपस में अपने आयन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करके टू न्यू कंपाउंड बना देते हैं। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था वो अपने प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है और वो कंटेनर में नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।